वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लम्बिंग के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन आएगा उसको दबा लीजिएगा। मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो जाके। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बिंग एक्सपर्ट चैनल में। दोस्तों आज आप लोग एक नया वीडियो लिखा हुआ, जो वीडियो है स्लैब का नीचे जो लीकेज करता है बाथरूम का ट्रैप के नीचे, उसके बारे में। वो लीकेज अगर हो तो कैसे बंद करें, आप थंबनेल लेके समझ गए होंगे। जो फोर सीलिंग का नीचे ट्रैप होता है या आपका नानी ट्रैप होता है, जो स्लैब होल हो के नीचे आता है वहाँ से लाइन बाहर जाता है, तो इस जगह से अगर आप लीकेज करें इसके लिए क्या करना चाहिए आप थोड़ी देर समझ होंगे। सबसे पहले जाली के चारों बाजू तोड़ते हैं, जितना छोटा टाइल्स लगाओ कम से कम मिनिमम के ऊपर टाइल्स तोड़ के उस जगह में काम करना है। कैसे काम करना है वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, वीडियो को बताएँ। और लीकेज सॉल्व हुआ है, सॉल्ट 100% सॉल्व हुआ है। देखिए डाउन स्लैब तक जाना है, जो वाटर प्रूफ किया हुआ है डाउन स्लैब का वाटर प्रूफिंग। आपका अगर केमिकल फिनिश है मतलब सीमेंट का फिनिशिंग है तो वहाँ तक जाना है। और अच्छे से देखिए इसका आजू बाजू तोड़ लेना है, थोड़ा सा पाइप का आजू बाजू थोड़ा सा निकाल लेना है। देखिए ऐसा ऐसा होगा, देखिए निकला अच्छे से, देखिए थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेना है सीमेंट का। और पाइप का जो बेसिन का पाइप दिख रहा है ना, इसको इसका नीचे भी पाइप थोड़ा खाली होता है तो वहाँ भी अच्छे सीमेंट भरना है। देखिए इस जगह में पहले पानी डाल के साफ कर लेना है उस जगह को, जितना जगह आप केमिकल लगाने वाले हो। देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, बने रहिए पूरा वीडियो, पूरा अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा वाला चीज़ बताएं आपको। देखिए इस जगह को फाइनल साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। अब देखिए इसके बाद में केमिकल जो है वाटर प्रूफिंग केमिकल उसको डालूंगा। ये कितना खतरनाक जगह है, देखिए यहाँ पे देखिए वाटर प्रूफ है लेकिन गैप दिख रहा है। अभी केमिकल डालूंगा ना अंदर चल जाता रहेगा, बंद नहीं होगा। इतना खतरनाक जगह यहाँ से लीकेज होता ही है, अगर यहाँ से गावड़ा पैकिंग अच्छे से नहीं हुआ ना तो स्लैब लीक करेगा। आपको दिखाऊंगा बाद में लास्ट में। ये पूरा एरिया को पूरा साफ कर लेना है, इसके बाद में केमिकल डालना है। देखिए अगर ये केमिकल आप खरीदना चाहते हो, वाटर प्रूफ केमिकल है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाके खरीद सकते हो। देखिए केमिकल डॉक्टर फिक्स्ड है। अब देखिए इसको ऐसे ही देना है, अप्लाई कर लेना है इस जगह पर, जितना जगह पर तोड़ा हूँ अच्छे से अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ से ही पानी जाता है, लीकेज यहीं से शुरू होता है, उसके बाद में जाके नीचे चारों बाजू फैल जाता है। पूरा दे देना है, इसके बाद में देखिए थोड़ा केमिकल और पानी और वाइट सीमेंट को मिक्स करना है, उसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद में घुमा घुमा के छेने से पेस्ट बना लेने का है। अब एक अच्छा पेस्ट बनने के बाद में उसको हाथों से जहाँ जहाँ तोड़ा हूँ वहाँ पे भरने का है, पाइप और सीमेंट के बीच में जहाँ तोड़ा था झूना वाला तोड़ के निकाला था उसको अच्छे से भरना है। जो बेसिन का लाइन आया ना वहाँ पे अच्छा सीमेंट भरना है, क्योंकि उस जगह पे बहुत रिस्क होता है, पानी रिबोर चला जाता है वो पाइप के मतलब पाइप और दोनों पाइप के बीच में 110 mm और 40 mm या 50 mm का पाइप रहता है उसके अंदर से चला जाता है। तो अब देखिए पूरा हाथों से अच्छे से माटा बनाना है सीमेंट का, और जो अभी दिखाया हूँ ऑलरेडी जो सीमेंट और केमिकल का पेस्ट का, इसके बाद में जो केमिकल पड़ा है उसको लेके थोड़ा गीला करके ब्रश में से पूरा फिनिश करना है उसको, क्योंकि फिनिश हो जाएगा तो पानी के जाने का चांसेस नहीं रहेगा। और पाइप के अंदर भी थोड़ा ब्रश को घुमा देना है कि वो फिनिश हो जाए, और थोड़ा देख लेना है कि उसके अंदर जो वाइट सीमेंट पूरा हुआ है पाइप के नीचे वो बराबर है कि नहीं है। देखिए अब पूरा अच्छे से मारना है, केमिकल देना है, बाद में जो बचा हुआ केमिकल जो वाइट सीमेंट है उसको वो पेस्ट को वो फ्लोरिंग में अप्लाई कर देना है, क्योंकि बचा हुआ तो अप्लाई कर देने का है, क्योंकि उस एरिया पूरा लीकेज जो उस एरिया का लीकेज नहीं होगा इतना श्योर है। जितना बड़ा तोड़ा हूँ लगभग दो बाई दो नहीं होगा, 1.5 feet by 1.5 feet का होगा। उसके बाद में ब्रास में पूरा अप्लाई कर देना, अच्छे से अप्लाई करना है। इसके बाद में मतलब जैसे पूरा पूरा एरिया अप्लाई हो जाए पूरा सीमेंट केमिकल का, उसके बाद में देखिए 15 मिनट बाद में सूख जाएगा, फिर दोबारा केमिकल डालना है इसके ऊपर, फिर ब्रास में से पतला वाला, ज़्यादा ब्रास नहीं मारना है, पतला पतला से अप्लाई कर देना है ब्रास में घुमा के। देखिए क्योंकि ऊपर से जो केमिकल गया है वो वाला जाके फिनिश हो जाए, ऊपर पूरा ऑयल पेंट जैसा हो जाए पूरा। देखिए एक दिन बाद आपको दिखने मिल रहा है, इसके बाद में आपको माटा बना था अच्छे से फिनिश होगा और केमिकल फिनिश है शायद, मुझे लगता है कि नीचे भी वाओ पानी बंद हो गया होगा। ये जो बेसिन का पाइप का नीचे अच्छे से माटा बनाना है पे, और नीचे आकर देखता हूँ पानी शायद बंद हो गया होगा पक्का सी, और सोटा का पानी बंद हो गया। आप देख सकते हो पहले प्रॉब्लम था, चैनल बिगड़ा हुआ है, काट लग गया और दीवार में कैसा पी ओ पी निकल गया, पहले बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। चलिए वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।